हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गरिमाज ब्लॉग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग का वीडियो। जी हाँ, डीप क्लीनिंग। और दीपावली पर सभी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो इससे पहले भी मैंने जब अपने छोटे वाले फ्रिज की क्लीनिंग करी थी तब मैंने उसका वीडियो अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया था, गरिमाज यमी फूड रेसिपीज़ पर। और आज जब मैं बड़े वाले फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसका भी वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने इस ब्लॉगिंग के चैनल पर। तो अभी मैं फ्रिज से सारा सामान खाली कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज में कितना ज़्यादा सामान भरा हुआ है। और इसके बाद मैं शेल्फ़ निकाल लूँगी, तो जो शेल्फ मैं आसानी से निकाल पा रही थी वही मैं निकाल रही थी, बाकी को मैंने छोड़ दिया था कि अपने हस्बैंड से निकलवा दूँगी। तो कुछ शेल्फ़ आसानी से निकल गए पर कुछ थोड़े टाइट थे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था कि उन्हें अपने हस्बैंड से निकलवाऊँगी। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ में आ रहा है वो मैं निकाल रही हूँ और सबको आराम से निकाल कर पहले अलग जगह पर रख दूँगी, उसके बाद से फ्रिज की क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो सारे शेल्फ निकाल कर क्लीनिंग की जाए तो बहुत ही अच्छे से फ्रिज क्लीन हो जाता है। और वैसे तो हम लोग एक एक कपड़ा मतलब पोंछते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह से क्लीनिंग करते हैं तो सारे शेल्फ को निकाल कर करना अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज थोड़ा गंदा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, पर फिर भी फ्रिज के जो डोर हैं वहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह बच्चे रख देते हैं, तो वो एरिया ज़्यादा गंदा है, डोर वाला सेक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लीनिंग का वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लास्टिक का कोई भी एक बोल ले लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ विम डिटर्जेंट यानी कि विम जेल। बार वाला डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है, जेल यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा लगभग एक टीस्पून के लगभग विम जेल लिया है। साथ ही मैं ले रही हूँ वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर भी जिसे बोलते हैं, और ये हमें चाहिए होगा लगभग हाफ कप। तो जितना भी आपका फ्रिज गंदा है उसके अकॉर्डिंग आप विनेगर ले सकते हैं। और ये है खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा, इसे मैं ले रही हूँ 3 छोटी चम्मच। और आप देख सकते हैं कि सोडा डालते ही विनेगर ने कैसा रिएक्शन किया है, कितना फोमी मिक्सचर तैयार हुआ है। तो इस तरह का जो सॉफ्ट सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं उससे फ्रिज की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा है तो आप विम जेल की मात्रा बढ़ा दें या सोडे की मात्रा बढ़ा दें तो क्लीनिंग और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी फोमी मिक्सचर है। और मैंने ले लिया है नींबू का एक छिलका, और इसी छिलके से मैं इस मिक्सचर को पूरे फ्रिज में रब कर दूंगी। तो सारे पोर्शन में अच्छे से रब करूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम फोमी है। तो मैंने स्पून से ही डालना शुरू कर दिया था कि फटाफट से हो जाएगा मिक्सचर डालकर, और फिर इसे नींबू के छिलके से अच्छे से रब करूँगी पूरे फ्रिज में। तो यहाँ पर मैं नीचे जो जहाँ पर बास्केट होती है वो सेक्शन को पहले रब कर रही हूँ। और इस मिक्सचर को लगाकर हमें कुछ टाइम छोड़ना होगा, लेकिन उससे पहले सारे जगह पर अच्छे से लगा दें। और जहाँ पर लगे कि ज़्यादा गंदा है उस जगह पर और अच्छे से लगा दें थोड़ा ज़्यादा सोल्यूशन डालकर। और बाकी आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हैं। तो विनेगर और मीठे सोडे से जब हम फ्रिज की सफाई करते हैं तो फ्रिज एकदम क्लीन हो जाता है, साथ ही इसमें अगर किसी तरह की कोई स्मेल है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये जो सोल्यूशन होता है DIY क्लीनर होता है। तो इस तरह से इससे फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन ये होता है, फ्रिज की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है। कोने कोने में जो भी दाग वगैरह लगे हों उन्हें आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नींबू का छिलका नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्ट स्पॉन्ज ले लें या फिर कॉटन का कपड़ा, और उससे इस सोल्यूशन को पूरे फ्रिज में अच्छे से रब कर सकते हैं। तो अभी आप दरवाजे का सेक्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने फोमी वाला मिक्सचर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि नींबू के छिलके से जैसे ही मैंने रब किया तो गंदगी अपने आप निकलने लगी है। और थोड़ी देर अगर छोड़ देते हैं तो और अच्छे से गंदगी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दरवाजे पे भी लगा दिया है, साथ ही फ्रीजर का जो ऊपरी पार्ट है मतलब जो ऊपर वाला फ्रीजर है, सेकंड मतलब डबल डोर का फ्रिज है, तो जो ऊपर का फ्रीजर का पार्ट है वहाँ पर भी मैं सेम सोल्यूशन को रब कर दूंगी। एक बार तो लगा ही देते हैं, हालांकि फ्रीजर का पार्ट इतना गंदा नहीं होता, फिर भी जब पूरे फ्रिज को एक जैसा साफ़ करते हैं तो हर जगह पर यही सोल्यूशन लगा कर छोड़ूंगी। और इसे मैं छोड़ दूंगी लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने एक सूती कपड़े को अच्छे से गीला कर लिया है और निचोड़ कर फिर इससे पूरे फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। तो 20 मिनट में क्या होता है, फ्रिज एकदम मतलब ड्राई हो जाता है और जो सोल्यूशन होता है वो अच्छे से निकलने लगता है। कपड़े से जब हम पोंछते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, गंदगी साथ में निकल कर आ जाती है कपड़े पर। और यहाँ पर अब मैं साफ़ कर रही हूँ फ्रीजर की डोर, और इस डोर को ज़्यादा नहीं पोंछना क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसे एक दो बार पोंछ लेंगे। साथ ही जो रबड़ वाला हिस्सा है डोर में उसे भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो इसे आप ये चाहें ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैं कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक बार पोंछने से ही फ्रीजर की डोर एकदम साफ़ हो गई है। और इसके बाद अब मैं साफ़ कर रही हूँ नीचे वाला हिस्सा, और बीच बीच में आप एक काम करें कि कपड़े को वॉश भी करते रहें। तो मैंने फ्रीजर को साफ़ करने के बाद कपड़े को एक बार धुल कर अच्छे से निचोड़ लिया, उसके बाद से फिर जो फ्रिज का सेक्शन है नीचे का उसे साफ़ कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक एक खांचे बने हुए हैं फ्रिज के जहाँ पर शेल्फ टिकाते हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी गंदगी बैठ जाती है, तो उनमें कपड़े डाल डालकर अच्छे से साफ़ कर लें। और सामने भी आपको छोटे छोटे खांचे दिख रहे हैं जहाँ पर शेल्फ फिट होती है,
तो उनमें भी मिट्टी जैसी कुछ फंसी रहती है, मतलब एक गंदगी सी दिखती है, तो उसे भी कपड़े को डाल डालकर अच्छे से साफ़ करेंगे तो फ्रिज एकदम क्लीन हो जाता है, चमकने लगता है। तो यहाँ पर मैंने सामने का एरिया साफ़ कर लिया है, अभी नीचे का जो बास्केट वाला एरिया है इसे मैं साफ़ कर लूँगी। और कपड़ा एकदम सॉफ्ट लें जिससे कि आप आसानी से सफाई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने भी एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लिया है और इसे बहुत अच्छी सफाई हो रही है। और इस तरह से मैंने दो बार कपड़े को धुलकर फिर इसे पूरे फ्रिज को साफ़ किया था, क्योंकि एक बार में ऐसा लगता है कि सोडे के कुछ कण रह जाते हैं। तो मैंने दो बार में सफाई की थी पूरे फ्रिज की, एक बार साफ़ कर लिया और फिर से कपड़े को धुल कर दोबारा साफ़ किया था। तो दो बार के बाद क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अब मैं करूँगी डोर की सफ़ाई। तो डोर का जो रबड़ है इसमें भी मैंने हल्का सा कपड़ा डाल डालकर अच्छे से सफाई की थी, क्योंकि डोर भी काफ़ी गंदा हो जाता है, रबड़ भी इसके गंदे हो जाते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कभी कभी कीड़े होते हैं या छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, वो इसमें बैठे रहते हैं, तो उन्हें भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी अगर आपके पास ज़्यादा गंदगी है फ्रिज में तो आप छोटे से ब्रश का, टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, सोल्यूशन लगाकर टूथब्रश से भी अंदर डालकर अच्छे सफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब अपने छोटे फ्रिज की सफाई की थी तो उसका डोर ज़्यादा गंदा था, तो मैंने टूथब्रश से यही सोल्यूशन लगाकर और अच्छे से सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर डोर को ही मैंने पोंछ लिया है और आप देख सकते हैं कि पूरे फ्रिज को पोंछने के बाद फ्रिज कितना क्लीन नज़र आ रहा है, एकदम वाइट नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छे से फ्रिज पूरा मेरा क्लीन हो चुका है, हर जगह ऊपर नीचे। फ्रीजर को भी मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया था और अभी पूरा फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ फ्रिज के बाहर के हिस्सा, मतलब जो फ्रिज की बाहरी दीवार उसे साफ़ कर रही हूँ। और इसे साफ़ कर रही हूँ मैं कोलिन से, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। और अगर आपका जो है फ्रिज ज़्यादा गंदा है बाहर से भी, तो आप जो अंदर का सोल्यूशन मैंने बताया सेम सोल्यूशन से आप फ्रिज के बाहरी दीवार की भी सफाई करें। पर यहाँ पर मैं कम गंदा था क्योंकि मैं हमेशा पोंछती रहती हूँ, तो मैंने सिंपल कोलिन से और सूती कपड़े पर लेकर साफ़ कर दिया था। और कोलिन से भी काफ़ी अच्छी सफाई होती है, तो इस तरीके से भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोलिन से साफ़ करते सकते फ्रिज एकदम चमकने लगी है, बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ होती है कोलिन से भी। तो अभी मैं आपको ऊपर से नीचे तक एकदम दिखा रही हूँ फ्रिज का पूरा लुक, कि फ्रिज कितनी अच्छे तरीके से चमकने लगी है। फ्रिज का जो हिस्सा है वो काफ़ी अच्छा शाइनी शाइनी हो गया है साफ़ करने के बाद। और अब मैं साफ़ करूँगी फ्रिज के जो शेल्फ वगैरह हैं, बास्केट्स हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके लिए मैं वही विम जेल ले रही हूँ, विम जेल का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डालूँगी पानी और विम जेल को अच्छे से पानी में घोल लेंगे और एक सॉफ्ट स्पॉन्ज लेकर और इससे सारे शेल्फ को साफ़ करेंगे। स्पॉन्ज ध्यान रखें कि ग्रीन वाला हार्ड स्क्रबर नहीं यूज़ करना है, आप या तो किसी कपड़े का यूज़ करें या कोई सॉफ्ट सॉक्स ले लें बच्चों की, उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। या फिर अगर स्पॉन्ज है सॉफ्ट येलो वाली तो उससे आप साफ़ करें। तो इस तरीके से शेल्फ पर विम जेल का सोल्यूशन लगा लगा कर सफाई करते जाएं तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फ्रिज के शेल्फ पर मैं मैट बिछा कर रखती हूँ तो इतनी ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती शेल्फ पर। अगर आपके शेल्फ ज़्यादा गंदे हैं तो आप इसी सोल्यूशन को दो बार अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं स्पॉन्ज से ही साफ़ कर रही हूँ और झाग खूब देता है ये विम जेल जो होता है, इसे झाग काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप विम जेल का भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो आप कोई भी सॉफ्ट शैम्पू लेकर उसे भी पानी में घोल कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो फिटअप छोटा वाला फ्रिज साफ़ किया था तो उससे मैंने शैम्पू से सफाई की थी, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा दूसरा तरीका बताया था और यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे शेल्फ रैक्स वगैरह मैं लगातार साफ़ करके रखती जा रही हूँ। तो आधे घंटे के बाद जब इसका पानी झड़ जाएगा तो सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ कर फिर इसे फ्रिज में लगा देंगे। तो सारे रैक्स वगैरह धुल कर और मैंने एक टोकरी में डाल दिए थे कि पानी अच्छे से सूख जाए, फिर इन्हें फ्रिज में अरेंज करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरी टोकरी भर गई है, खूब सारे शेल्फ थे, खूब सारे बास्केट वगैरह हैं। तो सब कुछ जब सूख जाएगा फिर अरेंज करूँगी फ्रिज में। तो चलिए आपको अपने फ्रिज का अरेंजमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को, सारे शेल्फ को अच्छे से अरेंज कर लिया है फ्रीजर में भी, और साथ ही जो फ्रिज का नीचे का एरिया है उसको भी अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रिज कितनी क्लीन हो चुकी है, चमक रही है। फ्रिज का जो डोर है फ्रीजर का वो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम शाइनी शाइनी सा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि एक संतुष्टि सी मिलती है जब हमारा घर का कोई अप्लायंसेस हम अपने हाथ से साफ़ करते हैं, पैसे बचाते हैं। और नीचे का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, और इन शेल्फ पर मैं बस मैट बिछा दूंगी तो और साफ़ हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं फ्रिज का लुक कैसा दे रहा है, कितना शाइन कर रहा है।
और ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज एकदम नया मंगाया गया हो। तो मुझे तो फ्रिज साफ़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरा ये फ्रिज साफ़ करने का आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नए नए वीडियो के साथ, नए नए ब्लॉगिंग वीडियोज़ के साथ, साथ ही इस तरह की क्लीनिंग की और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।